सर्कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति राणा। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए कमाई के ऑप्शंस भी। हमारे साथ आपकी कल की तैयारी कराने के लिए शो में है शामिल जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी का करते हैं शो में स्वागत और पूरी रिसर्च टीम से भी करेंगे बातचीत। हमारे साथ है कुशल जो बताएंगे 5 नदियों को जोड़ने के प्लान का ऐलान से किसे होगा फायदा। आशीष से हम समझेंगे दिसंबर तिमाही में ITC से उम्मीदें, वरुण से समझेंगे दिसंबर तिमाही में टाइटन से उम्मीदें, स्मार्ट मीटर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से भी फायदा उनसे जानेंगे, देवांशी हमें बताएंगी दिसंबर तिमाही में ल्यूपिन से उम्मीदें और तरुण बताएंगे क्यों टायर कंपनियों पर लगा है जुर्माना। सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा बाजार में आज भी तेजी कायम रही, कारोबार के अंत में निफ्टी 203 अंकों की बढ़त के साथ 17,780 के लेवल पर जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 700 अंक चढ़कर 59,558 के स्तर पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी बैंक 825 अंकों की तेजी के साथ 39,330 के स्तर पर बंद हुआ। वही FIIs और DIIs की तरफ से आज क्या डेटा सामने आया है समझते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 184 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वही DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज की 426 करोड़ रुपए की खरीदारी। आई एम एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में ये तेजी बजट का जोश है या फिर कुछ और वजह है। बजट के दूसरे दिन भी बाजार में लगातार तेजी का माहौल बना रहा और आज तीसरा दिन ऐसा था जहां बाजार दमदार उछाल के साथ बंद होता नजर आया। आज तो तेजी की एक से ज्यादा वजह थी। पहला तो डेफिनेटली कल का बजट जिसने बाजार का मूड ठीक किया और सरकार की तरफ से जो बजट आया वो ग्रोथ बढ़ाने वाला माना जा रहा है, ये बाजार को पसंद आ रहा है। ये तो एक कारण था जो हमें कल भी पता था और आज सुबह भी। दूसरा कारण आता दिखा अमेरिकी बाजारों से। तगड़ी तेजी के साथ अमेरिकी बाजार लगातार तीसरे दिन बंद होते नजर आए, तो चौतरफा खरीदारी अमेरिकी बाजारों की वो भी बाजार को पसंद आई। इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से बाजारों में अब तक तेज गिरावट हुई, करेक्शन हुआ और रिकवरी के जो आसार बनते हुए दिख रहे उसमें FIIs की तरफ से कल के सेशन में नाम मात्र की सिर्फ 30 करोड़ की बिकवाली हुई, यानी कि FIIs ने बिकवाली से हाथ थामा है और साथ ही दम लगाकर उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे। बस फिर FIIs के बिकवाली का प्रेशर कम हो, बजट की वजह से आपकी डाउनसाइड रिस्क कम हो, घरेलू फंड्स की खरीदारी बरकरार और ट्रेडर्स का मूड माहौल सेंटिमेंट मजबूत और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स की तेजी, ये जो 5 तेजी के पंच मिले इससे बाजारों में आज फिर से जोश आया। जहां खुले वहां से और आगे मजबूती के साथ बढ़ते हुए नजर आए और तेजी करते हुए दिखाए। दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होने में कामयाब रहा निफ्टी 17,800 के बेहद करीब डबल सेंचुरी मारकर। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो 39,000 के लेवल को भी पार किया और 39,500 के लेवल के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश की और बेहद मजबूत क्लोजिंग वहां पर भी देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन भरपूर रहा, ट्रेडर्स का इंटरेस्ट फिर से लौट रहा है, बाजार में सेक्टोरल चर्निंग हो रही है, अच्छी खरीदारी उन सभी स्टॉक्स में होती दिख रही है जहां पिछले कुछ दिनों में करेक्शन भारी हुआ है। तो ओवरऑल एक और बड़ा मजबूती वाला सेशन भारतीय बाजारों में आज देखने को मिला। आइए अब आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, बजट के अगले दिन का बाजार आपके लिए कैसा है, क्या अभी आप स्ट्रेटजी रखने की सलाह देंगे और साथ ही हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखनी चाहिए। गुड इवनिंग स्वाति, मुझे लग रहा है कि बाजार में जो मोमेंटम है वो मेरे ख्याल से इसलिए है क्योंकि बजट्स मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट आया है और मुझे लग रहा है कि बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट और जो बिल्डिंग प्रोडक्ट जैसे सेक्टर्स हैं उनको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इनफैक्ट कैपिटल गुड्स का जो मोमेंटम है वो मुझे लग रहा है आने वाले 3-4 क्वार्टर्स के लिए कंफर्टेबली रहना चाहिए और डेफिनेटली मार्केट्स इस बात पे उत्साह भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बैड न्यूज पर्सनल टैक्सेशन के ऊपर भी नहीं आई। तो ओवरऑल बजट का मूड है, मेरे ख्याल से हो सकता है कि कल के सत्र में थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ सकती है क्योंकि पिछले 2 दिनों में बहुत भारी तरीके से मार्केट ऊपर गया है, बट इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। और अगर हफ्ते भर के लिए किसी को पोजीशन लेनी है तो मुझे लग रहा है कि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में हमको कोटक बैंक काफी पसंद है। हमको लग रहा है कि कोटक बैंक के नतीजे भी काफी अच्छे आ गए थे, प्लस जिस प्रकार का कैपेक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया है FY23 के लिए, इसका फायदा भी कहीं ना कहीं कोटक बैंक को भी मिलेगा, इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी और यहाँ पे हमको लग रहा है कि करीबन 2000 का एक मीडियम टर्म टारगेट प्राइस मिल सकता है करीबन 8 से 10 दिन के नजरिए के लिए। और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा करीबन 1915,
1942 का करंट प्राइस है। मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे ही हैं, लेकिन 8 से 10 दिनों के लिए किसी के लिए अगर पोजीशन लेनी है तो मैं समझता हूँ 1990-2000 ये रेंज कंफर्टेबली पॉसिबल है, तो यहाँ पे पोजिशनल पिक जरूर लेना चाहिए। कोटक बैंक में हफ्ते भर का नजरिया रखने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। आज की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, टायर कंपनियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने टायर कंपनियों को जोर का झटका दिया है और इन कंपनियों पर लगा है 1650 करोड़ रुपए का जुर्माना। तरुण शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ है। तरुण, जरा बताएं सीसीआई ने किन किन कंपनियों पर कितनी पेनल्टी लगाई है और आरोप क्या है? बिल्कुल, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुल मिलाकर 1650 करोड़ का जुर्माना लगाया है और यह देश की 5 बड़ी कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना अपोलो टायर्स को देना होगा 425 करोड़, एमआरएफ को देने होंगे 309 करोड़, सीएट को देने होंगे 252 करोड़ और जेके टायर्स को देने होंगे 309 करोड़ और बिरला को देने होंगे 178 करोड़। ये पेनल्टी स्ट्रक्चर है। सबसे ज़्यादा जो पेनल्टी पे करनी है वो अपोलो टायर्स को पे करनी है। ये काफ़ी पुराना मामला है, 2011 के बाद से ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। 2015 के अंदर डीजी इन्वेस्टिगेशन, जो सीसीआई का जो इन्वेस्टिगेशन विंग होती है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और पाया कि जब रबर के प्राइजेस बढ़े तब तो इन्होंने प्राइजेस बढ़ाए ही, लेकिन जब रबर के प्राइजेस कम हो गए तब भी इन कंपनियों ने प्राइजेस कम नहीं किए और इनके बीच में एक साठ गांठ डीजी इन्वेस्टिगेशन को मिली थी। कई सारे मेल्स का एक्सचेंज मिला इन कंपनियों के ऑफिशियल्स के बीच में, तो ये माना गया कि एक कार्टलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद इन कंपनियों ने इस ऑर्डर को, जो डीजी इन्वेस्टिगेशन था, इसकी रिपोर्ट को चेन्नई हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया था, लेकिन पिछले महीने चेन्नई हाईकोर्ट ने डीजी इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट थी, जो पूरी रिपोर्ट थी जो आज इन्होंने पब्लिक करी है, वो ऑर्डर को जब बंद लिफाफे में पैक दिया चेन्नई हाईकोर्ट को, तो चेन्नई हाईकोर्ट ने कहा कि आप इस ऑर्डर को पब्लिक कर सकते हैं। तो अब सीसीआई ने 1650 करोड़ का जुर्माना लगाया है इन 5 बड़ी कंपनियों पर और ये कंपनियों पर जो आरोप है वो ये है कि इन्होंने प्राइस कार्टलाइजेशन किया है। बहुत शुक्रिया टायर कंपनियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर के मायने हमें बताने के लिए तरुण आपका। वहीं कुछ आने वाले नतीजों पर कर लेते हैं चर्चा। कल आईटीसी के नतीजे आने वाले हैं, दिसंबर तिमाही में कैसा रह सकता है प्रदर्शन? हमारे साथ आशीष हमारे सहयोगी है, आशीष से समझते हैं। आशीष, आईटीसी के नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है? देखिए, नतीजे अच्छे आते हुए नजर आएंगे हर सेगमेंट में। अगर आप देखें तो सिगरेट कारोबार हो, एफएमसीजी, होटल्स, पेपर, सब में अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। सिगरेट वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो अनुमान बाजार लगाकर चल रहे हैं कि करीब 8 से लेकर 9% की देखने को मिलेंगी और एफएमसीजी बिजनेस में भी अगर आप देखें तो करीब 10 से लेकर 12% की ग्रोथ का जो है वो अनुमान लगाया जा रहा है। टोटल अगर आप देखें तो रेवेन्यूज़ में करीब करीब 10% की जो एस्टिमेट्स हैं वो लगाकर चल रहा है बाजार। कामकाजी तौर पर भी अगर आप देखें तो तिमाही बढ़िया रही है, हालांकि अगर जो एफएमसीजी बिजनेस है वहाँ पर थोड़ी सी लागत खर्च बढ़े हैं, इसका एक असर देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी कामकाजी मुनाफा करीब 11% बढ़ता हुआ नजर आएगा और मार्जिन्स अगर आप देखें तो पिछले साल करीब 36% के मार्जिन्स थे, इस बार ओवरऑल करीब 37% का जो है बाजार एस्टिमेट लगाकर चल रहा है और मुनाफे में भी अगर आप देखें तो करीब 8% की जो ग्रोथ है वो आपको नजर आएगी। यानी आय, मुनाफा, मार्जिन और ग्रोथ दोनों के लिहाज से, हर लिहाज से आप देखें तो नतीजे जो है काफ़ी बढ़िया आएंगे। कल टाइटन के भी नतीजे आने वाले हैं, तो दिसंबर तिमाही में टाइटन का प्रदर्शन कैसा रह सकता है? वरुण, जरा बताइए आप टाइटन के नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है? देखिए, टाइटन के नतीजे अच्छे रहेंगे। इनफैक्ट इस कंपनी का मैनेजमेंट जो है, उन्होंने पहले अपना जो क्वार्टरली अपडेट दिया था उसमें कहा था कि ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेहतर रही थी। ज्वेलरी सेगमेंट में करीब 37% के आसपास की, वॉचेस एंड वेयरेबल्स में 28%, आईवेयर में करीब 27% के आसपास की ग्रोथ के बारे में कंपनी ने बताया था। और हो भी क्यों ना, पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स जो थे वो खुले थे क्योंकि कहीं लॉकडाउन नहीं थे ज़्यादा, तो इसका एक फ़ायदा कंपनी को मिला। इसके अलावा याद रखिएगा कि पिछले क्वार्टर में त्यौहार भी थे, तो त्यौहारी सीज़न का एक बड़ा फ़ायदा जो इस कंपनी के ओवरऑल सेल्स में मिलेगा, और शादियों का सीज़न भी था और जम के खरीदारी हुई है और इसका फ़ायदा भी इस कंपनी को मिलेगा। इसके चलते कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतर रहेगी। हमारा मानना है रेवेन्यूज़ करीब 23% के आसपास बढ़ेंगे, 9000 करोड़ के आसपास से आ सकते हैं। एबिटा में 34.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी और मार्जिन में बढ़ोतरी होने वाली है 1% के आसपास की, 11.3% से बढ़ के करीब 12.3% के आसपास आएंगे। मुनाफे में करीब 81% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 419 करोड़ से बढ़ के ये 760 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। यानी कि मैनेजमेंट ने जो कहा था कि बेहतर ग्रोथ
ग्रोथ होगी उसके बेसिस पे रिजल्ट का अनुमान लगाया गया है, और इसके चलते आपने देखा जो ग्रोथ नंबर्स हमने पैक किए और साथ साथ मार्जिन जो है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। वहीं कल फार्मा कंपनी ल्यूपिन के भी तिमाही नतीजे सामने आएंगे। दिसंबर तिमाही का प्रदर्शन ल्यूपिन का कैसा रह सकता है? देवांशी हमारे साथ है। देवांशी, ल्यूपिन से क्या उम्मीद है? जी बिल्कुल, आप देखिए लूपिन से इस तिमाही में थोड़े से अच्छे नतीजों का अनुमान किया जा रहा है। आय में करीब 4-5% तक की बढ़त देखने मिल सकती है। मार्जिन दूसरी तरफ थोड़े से कम होते हुए दिखेंगे और मुनाफे में भी करीब 25-30% तक की जो डाउनफॉल है वो देखने मिल सकता है। लेकिन पिछले साल एक एडजस्टमेंट था, वन टाइम लिटिगेशन के चलते उनका जो बेस है वो हाई हो चुका था, और इसी के चलते इस बार आपको मुनाफा और साथ ही कामकाजी मुनाफा और मार्जिन में गिरावट देखने मिलेगी। सबसे पहले अगर यूएस मार्केट्स की बात करें तो जो वॉल्यूम्स हैं कई सारे प्रोडक्ट्स के वो तो बढ़ते हुए दिखे हैं, लेकिन प्राइसिंग प्रेशर था और इसी के चलते हम देखेंगे कि यूएस मार्केट में भी बहुत शानदार ग्रोथ होती हुई नहीं दिखी है। फ्लैट ग्रोथ या फिर थोड़ा सा 1-2% तक का डाउनफॉल देखने मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर भारतीय कारोबार की बात करें तो अच्छी ग्रोथ देखने मिली है, स्टडी बिजनेस है और इसके चलते हम देखेंगे कि आय को सहारा मिलता हुआ दिखा है। कामकाजी खर्च थोड़े से बढ़ते हुए जरूर दिखे हैं, लेकिन मार्जिन आप देखें इस बार करीब 15-15.5% रह सकते हैं। पिछले साल जो बेस था वो थोड़ा सा ऊंचा था वन टाइम लिटिगेशन के चलते, इसी साल आपको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने मिल सकता है। मुनाफे की अगर बात करें तो करीब 310 करोड़ के आसपास रह सकता है और जो आय है वो इस साल 4180 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो अगर आप एडजस्टेड मुनाफा देखें तो इस बार थोड़ी सी अच्छी ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। जो गोवा को क्लियरेंस मिलता हुआ दिखा है, उसके बाद यूएस एफडीए से क्या अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं, कब तक जो दूसरे प्लांट्स हैं वहाँ से एक्सपोर्ट शुरू होते हुए दिखेंगे, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस क्या है, इन सब पर जो कमेंट्री है वो काफ़ी अहम रहेगी, लेकिन नतीजे अच्छे आएंगे। और बजट में स्मार्ट मीटर पर कस्टम ड्यूटी 15% से बढ़ाकर 25% कर दी गई है। ऐसे में जिनिस पावर में आज दिखी जोरदार तेजी। एक्सक्लूसिव रिसर्च के साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ हैं, बताइए। देखिए बजट में एक ऐलान हुआ है और वो ऐलान हुआ है बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन स्मार्ट मीटर्स। जैसा स्मार्ट मीटर्स पे जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको 15% से बढ़ा के 25% के आसपास कर दिए, यानी कि 10% के आसपास की बढ़ोतरी जो है स्मार्ट मीटर्स के बेसिक कस्टम ड्यूटी पे की गई है। देखिए इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा देश भर में जितनी कंपनियां स्मार्ट मीटर्स बनाती है उनको होगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जीनस पावर को होगा, क्योंकि इस पूरे मार्केट में कोई मार्केट लीडर है तो जीनस पावर है। स्मार्ट मीटर्स में इस कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो करीब करीब 70% के आसपास का है। आपको याद होगा सरकार का लक्ष्य था कि अगले 5 साल में 25 करोड़ के आसपास के स्मार्ट मीटर्स जो है उनको कहीं ना कहीं अप्रूवल मिलेगा, उनको लगाने का यहाँ पे सरकार का लक्ष्य था, और उसी के तहत कहीं ना कहीं ये बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है उसको बढ़ाया गया है ताकि डोमेस्टिक स्मार्ट मीटर्स को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए। और जीनस पावर जो है वो ऑलरेडी इसमें बड़ा काम कर भी रहा है। एशिया पैसिफिक में अगर देखेंगे तो इस कंपनी ने ऑलरेडी 15 लाख के आसपास के स्मार्ट मीटर जो है वो सप्लाई किए हैं, और अपने मैनेजमेंट में भी काफ़ी ऐसे लोगों को शामिल किया है जो कि इस पूरे स्मार्ट मीटर्स के सेगमेंट को ग्रोथ दिला पाए। और इसके लिए अगर किसी को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा इस बेसिक कस्टम ड्यूटी की बढ़ोतरी का तो जीनस पावर है, क्योंकि ये मार्केट लीडर भी है और बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है उसको 15% से बढ़ा के 25% कर दिया है। और अब जी बिजनेस एक्सक्लूसिव रिसर्च। बजट में अगले कुछ केन बेतवा समेत 5 नदियों को जोड़ने का प्लान पेश किया गया है कुछ समय में, इससे किन कंपनियों को फायदा होगा ये बताने के लिए कुशल गुप्ता हमारे साथ है, बताइए कुशल। जी, तो बजट में काफ़ी अहम अनाउंसमेंट होती हुई नजर आई और वो था रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स को। आप देखिए यहाँ पर 5 रिवर लिंक्स के लिए ड्राफ्ट डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो फाइनलाइज हो चुकी है, ऐसा बजट में बताया गया था वित्त मंत्री द्वारा। इनफैक्ट अगर आप देखें तो राज्य के बीच अगर सहमति हो जाती है तो डेफिनेटली सरकार जो है केंद्र सरकार वहाँ पर उनका इम्प्लीमेंटेशन पर बड़ा फोकस आता हुआ नजर आएगा, और इस वजह से ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बड़े फोकस में आ सकता है। आप देखिए ड्रेजिंग का इनका कारोबार है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप देखिए ड्रेजिंग तकनीक में ये कंपनी लीडर है और जबरदस्त एग्जीक्यूशन क्षमता है कंपनी के पास। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो रिवर इंटीग्रेशन में 40,000 करोड़ से ज्यादा की अपॉर्चुनिटी है, एंड सालाना आधार पर आप देखिए ड्रेजिंग और कैनाल मेंटेनेंस में अगर 10% के मौके भी मिलते हैं ना तो सालाना आधार पर ड्रेजिंग कॉरपोरेशन के लिए 4,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू आ सकते हैं। अभी अगर आप देखें तो मौजूदा इनका रेवेन्यू करीब करीब 700-800 करोड़ रुपए का आता हुआ नजर आता है सालाना आधार पर। इनफैक्ट अगर आप देखें तो मार्च 2020 में महानदी का रिवर माउथ जो है उसको इन्होंने ड्रेज किया था, रिकॉर्ड 45 दिनों में ये काम खत्म करते हुए नजर आए थे। तो डेफिनेटली काफी बेहतर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है और ड्रेजिंग का जिस तरह से रिक्वायरमेंट है रिवर लिंकेज में, डेफिनेटली ये स्टॉक जो है बड़े फोकस में रह सकता है। और आइए अब जानते हैं कल के बाजार पर क्या रखे स्ट्रेटजी और बाजार के लिए अहम संकेत अनिल जी से।
जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्त है, लेकिन नैस्डेक फ्यूचर्स में 1.5-2% की दमदार तेजी थी। यानी कि आज फिर से अमेरिका में एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन हो सकता है, ये उम्मीद तो जरूर भारतीय बाजारों को क्लोजिंग के वक्त थी। दूसरा, जिस तरह की तेजी बनी, उम्मीद कर सकते हैं कि FIIs की तरफ से और थोड़ी बहुत खरीदारी आज देखने को मिले। घरेलू फंड दम लगाकर खरीद रहे हैं, ट्रेडर्स फिर से जोश में हैं और बाजार तकनीकी तौर पर मजबूत होते दिख रहे हैं, स्पेशली 17,750 के ऊपर की क्लोजिंग देखकर। अब कल के लिए जहां तक सपोर्ट का सवाल है, 17,575, 17,625 थोड़ी सी दूर है, लेकिन यही 50 पॉइंट की रेंज सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 17,875 से लेकर 17,950 तक जाने की कोशिश निफ्टी की एक बार फिर से हो सकती है, 18,000 की तरफ बढ़ने की तैयारी बन सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 39,000 के ऊपर निकल कर जो बैंक निफ्टी टिका है, थोड़ा सा दूर है, लेकिन सपोर्ट अब 39,700 से 39,850 की रेंज में, 38,700 से लेकर 38,850 की रेंज में बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है, और एक बार 40,000 के आसपास जाने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। कल वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का भी दिन है, ऐसे में कुछ शॉर्ट कवरिंग, कुछ खरीदारी, ये दोनों देखने को मिल सकती है। दो बड़े ट्रिगर्स हैं, एक ग्लोबल मार्केट्स का माहौल, अगर मजबूत रहे तो तेजी से खुलेंगे, कमजोर रहे तो नीचे खुलकर बढ़ेंगे, और दूसरा FIIs की तरफ के बिकवाली या खरीदारी के आंकड़े। ये दो ऐसे ट्रिगर्स हैं जिन्हें हमें सुबह देखना होगा, लेकिन बाकी ट्रिगर्स बाजार में तेजी की तरफ इशारा करते हुए दिख रहे हैं। और आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। और कल के ऑप्शन स्ट्रेटजी बताने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत है शो में। कल का ऑप्शन कहाँ रखा जा सकता है? बिल्कुल बहुत धन्यवाद। देखिए, पिछले 3 दिनों में बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और हमारा मानना है कि यहाँ पे बैंकिंग और कंजम्पशन रिलेटेड काउंटर कंटिन्यू मोमेंटम दिखाएंगे, तो पूरा बोर्ड बेस पाएंगे। निफ्टी कहीं ना कहीं 17,900-18,000 की तरफ पहल कर रहा है। तो दो ट्रेड में पहला ट्रेड रहेगा एयू बैंक में काफी अच्छा मोमेंटम पिछले 2-3 दिनों में देखने को मिला है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे लगभग 1,430-1,440 तक के अपसाइड बन सकते हैं। तो 1,400 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 46 रुपए के आसपास बंद हुई है, 32 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 70 रुपए तक के टारगेट आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। दूसरा ट्रेड रहेगा टाइटन। इस स्टॉक ने अपने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और मोमेंटम दिखा रहा है, लगभग 2,600-2,650 तक का मोमेंट आना चाहिए। तो 2,500 का कॉल लेने की सलाह रहेगी, 70 रुपए का प्राइस चल रहा है, यहाँ पे 55 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ये कॉल ऊपर में लगभग 99 से 100 रुपए तक के टारगेट दिखा सकती है। बहुत शुक्रिया चंदन जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी बताने के लिए। अविनाश जी आपके पास आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए कौन सी पिक बताएंगे आप? स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए हमको एग्री प्लेयर यूनाइटेड फॉस्फोरस UPL काफी पसंद है। इनफैक्ट कंपनी ने अपने तीसरे तिमाही के जब नतीजे डिक्लेयर किए, बहुत ही दमदार नंबर्स आ गए हैं, करीबन 25% की टॉप लाइन ग्रोथ और करीबन 38% प्रॉफिट ग्रोथ, करीबन 990 करोड़ तीसरे तिमाही में इन्होंने कमाया। सबसे बड़ी बात, कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि चौथी तिमाही भी अच्छी आएगी, लैटिन अमेरिका, यूरोप एज वेल एज जो रेस्ट ऑफ एशिया और इंडिया, यहाँ पे जहाँ पे कंपनी काम करती है यहाँ पे सारे मार्केट्स में प्राइसिंग काफी अच्छी है। सबसे बड़ी बात, एरिस्टा जो ग्लोबल कंपनी थी लेने के बाद, ये अभी 48 फैसिलिटीज में करीबन 150 कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, तो ट्रूली एक इंडियन MNC कंपनी है। हमको लग रहा है कि आने वाले साल में आपको करीबन 43 या 46 रुपीज की अर्निंग आएगी, और वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, करीबन 13 या 14 की PE पे ये स्टॉक अभी चल रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड। तो हमको लग रहा है कि अगर साल भर का नजरिया है तो कम से कम 925-950 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली पॉसिबल है, और बजट ने भी काफी बेनिफिट्स एग्री सेक्टर को दिए हैं, तो इसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा अपने डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए। तो यूनाइटेड फॉस्फोरस मेरी तरफ से टारगेट प्राइस 950, टाइम फ्रेम करीबन 12 से 15 में। लिमिटेड में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। बहुत धन्यवाद अविनाश जी हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए।